उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 24 से 30 जून तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 30 जून को तेज हवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, 24 से 30 जून तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ 30 जून को तेज हवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी भी दी गई है। देहरादून से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 24 से 30 जून तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही साथ 30 जून को तेज हवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है और उत्तराखंड में बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, 30 जून को तेज हवा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, वही 24 से 30 जून तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ पूरा अपडेट? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान जो है वो जारी किया गया है और 24 से 30 जून तक जो है भारी बारिश की चेतावनी के साथ तेज हवाएं चलने की भी आशंका जो है वो जताई गई है। तेज हवाओं की अगर बात की जाए तो जिसकी तीव्रता 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलेगी और साथ ही जो बारिश है प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में जो है ये देखने को मिलेगी। पहाड़ से लेकर मैदानों तक जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर मौसम विभाग का ये मानना है कि जो नदी किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जिस प्रकार से क्योंकि नदियां जो है वो उफान पर आ सकती है। साथ ही दूसरी ओर जिस प्रकार से जो पहाड़ी इलाके हैं, जो 3500 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिल सकती है, तो वहां पर भी सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब तेज बारिश और तेज हवाएं चलेगी तो उससे जो है आम जनजीवन जो है काफी अस्त व्यस्त जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यानी कि सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए। दूसरी ओर अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा जिस प्रकार से यहाँ पर चल रही है, ऐसे में यात्रियों को सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। खासतौर पर जो केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से जो यात्री हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं, उनके लिए साफ तौर पर ज्यादातर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पैदल ट्रैक जो केदारनाथ धाम का है वहां पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी जो है हेली सेवा को पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मौसम जो है पिछले 2-3 दिनों से जो है वो खराब चल रहा है, बारिश हो रही है और ऐसे में 30 जून तक जिस प्रकार से अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो फिलहाल के लिए हेली सेवा को जो है केदारनाथ के लिए वो पूरी तरीके से बंद किया गया है। दूसरी ओर जो पैदल ट्रैक पर जो जाने वाले यात्री हैं उनको लगातार स्थानीय प्रशासन पुलिस प्रशासन की ओर से जो है हिदायत दी जा रही है कि केदारनाथ में किस तरीके का मौसम है, क्या क्या दिक्कतें जो है वहां पर यात्रियों को आ सकती है, इस तरीके के सुझाव जो है लगातार यात्रियों को दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने गंतव्य की ओर जो है सही सलामत जो है वो जा सके और केदारनाथ धाम के दर्शन अगर करना चाहते हैं तो सही तरीके से जो है वो कर सके, तो इस तरीके से स्थानीय प्रशासन की ओर से भी सुझाव दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 30 जून तक जो है भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, कई इलाकों में ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिलेगी और तेज हवाओं के चलने की जो है वो बात की गई है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन टीम को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर किया गया है और साथ ही जो एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपेंद्र, नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी तो जारी कर दी गई है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक जगह उनके लिए बनाया गया है जहाँ पर वो जाकर रह सके, सुरक्षित रह सके? देखिए अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से जो यात्रा सीजन है इस समय जो है नदी किनारे पर जिस प्रकार से ऋषिकेश हरिद्वार इन जगहों पर जो है ज्यादातर यात्रियों के साथ घूमते फिरते हुए दिखाई देते हैं या वहां पर जो है भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं नदी किनारे में और वहीं पर रह जाते हैं,
तो ऐसे में उन लोगों को ज्यादातर सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए जो रेड़ी ठेली जो नदियों के किनारे लगाते हैं, उनको भी सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए। और अगर ज्यादा जरूरी हुए तो उनको जो है जिस कहते जो सरकारी स्कूलों हैं वहाँ पर उनके लिए जो शासकीय भवन होते हैं वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की जाती है अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें अगर वहाँ पर होती है। लेकिन साफ तौर पर यह हिदायत जरूर दी गई है कि जिस प्रकार से 24 से 30 पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि काफी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अगर ज्यादा बारिश होती है तो नदियां उफान पर आ सकती है। तो ऐसे में सभी को सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जरूरी अगर होता है तो स्थानीय प्रशासनों की ओर से सरकारी स्कूलों पर जो है उनके रहने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जो है दिशा निर्देश है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के।